यदि हमारे ऊपर कुछ है तो, अरे ये तो पिक्चर है, बोलता वो तो मैं समझता हूँ पिक्चर है, सीन में थोड़ी समझता है पिक्चर है। तो मतलब वो बुद्धि बैठा हुआ है, वो बुद्धि बैठा हुआ तो डर रहेगा ही रहेगा, जब तक ये वो बुद्धि है वो सिंगर वो को थोड़ी समझता है, जब वो बुद्धि है तब तक डर बना ही रहेगा, कोई भय बनाती। इसलिए त्रास आदि इत्यादि शब्द हर्ष शोक आदि वहाँ से जो हर्ष शोक भी होता है उसमें भी ये भेद ही कारण होता है, स्वरूप जो है इस प्रकार समस्त आनंद स्वरूप है। क्या दुख कम अद्वैत शिवाई का विभाग, इसलिए जो कहा गया था कि जो अभेद राहित कल्याणकारी उसको प्रतिबद्ध अद्वैत अभय, क्योंकि भेद राहित तो अभय स्थिति है, इसलिए वही कल्याणकारी है, क्योंकि कहा भय से मुक्त होना चाहिए। सबसे बड़ा भय है मृत्यु भय, इसको अभिनिवेश क्लेश बोलते हैं, विद्वानों को भी बोलते हैं अभिनिवेश क्लेश मृत्यु भय, उसके साथ मृत्यु के साथ ज्यादा व्यधि भी है, परंतु सब शरीर का धर्म आत्मा के साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है, ये निश्चय हो जाने पर ये डर अपने आप ही चला जाता है, हमारा करीब आना। यहाँ तक का हमने पढ़ लिया है कि नहीं, हो गया था ना, आज 34 भी हो रहा था। अब जो प्रश्न होता है किंच किम इदम नानाभूतम द्वैतम आत्म तादात्म्य न सिद्ध थी स्वातंत्र न। अब वेदांति पूर्ववादी प्रश्न करते हैं, ये बताओ ये जो आपको भेद दिखाई पड़ता है ये अधिष्ठान के साथ एक होकर के भेद दिखाई पड़ता है और अथवा अधिष्ठान से भिन्न होकर के भेद दिखाई पड़ता है, तो भेद कैसे दिखाई पड़ता है? किम जब और विधि हो जाए किम एकदम नाना भूतम दैतम, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार से भेद दिखाई पड़ता है पार नदी मकान दुकान स्त्री पुरु, ये सब दैतम आत्म तादात्म्य न सिद्ध थे, आत्मा के साथ एक अधिष्ठान के साथ एक होकर तादात्म्य मतलब एक होकर प्रसिद्ध होता है अथवा स्वातंत्र न अथवा स्वतंत्र रूप से सिद्ध हो जाए, ये विवेकतव्य, ये विचार करके देखो, ये विचार करके देखो जरा ठीक से, ठीक है स्वातंत्र न उपाध्य मन मतलब टिप्पणी है 4 नंबर टिप्पणी, ठीक है आपका पुस्तक में 4 नंबर स्वातंत्र न इति स्वीय सत्ता स्फूर्तयोर अन्न अनपक्षत रूपम इति भाव, ठीक है ना, अपनी सत्ता स्फूर्ति के लिए वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, अपनी सत्ता स्फूर्ति के लिए वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, ये हो गया आपका स्वतंत्रता। क्या द्वैत प्रपंच में ऐसा स्वतंत्रता है? क्या द्वैत प्रपंच में ऐसा स्वतंत्रता है? हमको हमेशा एक चीज कल भी बताया था इस चीज को, जब कभी भी किसी वस्तु की सत्ता सिद्ध होता है तो आपको उस वस्तु की सत्ता ज्ञान विषय को सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना सत्ता नहीं है, सत्ता के बिना ज्ञान नहीं है, है कि नहीं, ज्ञान के बिना सत्ता नहीं है और सत्ता के बिना ज्ञान नहीं है, ये दोनों अभिन्न है एक ही। अब जो है ये जो हमारे द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ता है ये दूसरे ज्ञान की अपेक्षा रखता है कि अपने आप में हो करके बोल सकता है? द्वैत प्रपंच में जो भी कुछ वस्तु दिखाई पड़ता है वो स्वयं अपने आप कह सकते हैं कि मैं एक टेबल हूँ मैं एक शरीर हूँ? नहीं बोल सकता, मतलब उसकी सत्ता परतंत्र ज्ञान स्वरूप नहीं है, उसकी ज्ञान पर उसका बोध परतंत्र होकर के सिद्ध होता है, जब उसका ज्ञान अपने दूसरे के द्वारा सिद्ध होता है इसलिए उसका सत्ता भी दूसरे से सिद्ध होता है, अपनी ज्ञान भी नहीं है ज्ञान स्वरूप भी नहीं है सत्ता भी नहीं है उसका, इसलिए उसका सत्ता भी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, इसलिए उसका सत्ता भी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। इसको समझाने के लिए देखिए आगे बोलते हैं किंच किम इदम नाना भूतम द्वैतम आत्म तादात्म्य, अब मान लीजिए किसी के साथ आत्मा के साथ मिल करके आत्म तादात्म्य न सिद्ध थी, तादात्म्य मतलब क्या, मिल करके आपने पानी के ऊपर कई रंग मिला दिया, पानी में अलग अलग कई रंग मिला दिया तो पानी के साथ एक हो गया, ठीक है ना, तो किस रूप में दिखेगा वो? पानी रूप में ना दिखेगा तो कोई तो कृष्ण, तो जब मतलब जब आत्मा के साथ तादात्म्य करके आप उसको देखोगे, जब तक ये दृष्टांत दृष्टांत में भिन्नता है, आत्मा का सर्वत असंग वस्तु किसके साथ तादात्म्य होना संभव नहीं, और मान्यता देकर के तादात्म्यता की मान्यता देकर के हम ये कहते हैं तो किस रूप में दिखेगा? आत्म रूप में ही दिखेगा, तो आत्म रूप में ही दिखेगा, वस्तु वस्तु रूप में नहीं दिखेगा, इसलिए यदि तादात्म्य करके मानते हो तब आत्म रूप में दिखेगा, और यदि स्वतंत्र रूप में मानते हो तो दिखेगा ही नहीं करें, क्योंकि सत्यस्फूर्ति सिद्ध ही नहीं कर पाएगा, सत्य सिद्ध ही नहीं कर पाएगा, इसी को देखिए समझाने के लिए इसके
तो श्लोक में आ जाएगी। बोलते विवेकव्य न आद्य इति आहो, पहला विकल्प तो नहीं हो सकता, आत्मा के साथ मिल करके तो नहीं हो सकता, तो आत्मरूप ही दिखेगा आपको। तादात्म्य करके जब देखोगे तब आत्मा, यदि आपको रज्जु और सर्प की तादात्म्यता हो गई और आपकी समझ में है कि तादात्म्य है, तब आपको क्या दिखेगा वहाँ पर? रज्जु ही दिखेगा, सर्प नहीं दिखेगा आपको। तादात्म्य वहाँ पर रज्जु समझ में नहीं आता, परंतु आपको सर्प दिखाई पड़ता है। परंतु जैसे ही आप उसका किसी के साथ आप मिला मिल करके मैं देख रहा हूँ, तो जिसके साथ मिल करके दिखाई दे वही आपको दिखाई देगा। इसलिए आप बोलते हैं नात्मभावेन नानेदम, नात्मभावेन नानेदम न स्वेनापि कथञ्चन, न स्वेनापि कथञ्चन न पृथक् न पृथक् किञ्चित्, न पृथक् न पृथक् किञ्चित् इति तत्त विदो विदुः, इति तत्त विदो विदुः नात्मभावेन नानेदम न स्वेनापि कथञ्चन, न पृथक् न पृथक् किञ्चित् इति तत्त विदो विदुः। हमें दृष्टांत पंचदशी का देख करके कई बार समझाए। इस प्रकार एक सफेद कपड़ा है, उस सफेद कपड़े के ऊपर कोई चित्रकार को चित्र बनाना चाहते हैं, तो क्या करेगा वो? पहले उस कपड़े को चित्र बनाने का अनुकूल थोड़ा सा कड़वा पानी है, वो कपड़े को थोड़ा मार चाहे मार चाहे, तो कपड़ा थोड़ा सख्त हो जाता, सुखा लेते हैं। उसके ऊपर वो जैसा अपना मन में कल्पना करते हैं वैसे वैसे चित्र कपड़े में बनाते हैं, और वो पहले केवल इतने ही दाग लगाता है जो केवल वो अपने आप समझते हैं। उसके बाद उस जैसे जैसे दाग लगया तब अनुकूल वो अपना रंग भर देते हैं। अब रंग भरने के बाद हम देखने वाले को क्या दिखता है? हिमालय पहाड़, सामने गंगा नदी, और फिर कई मकान, सामने दुकान, मकानों में व्यक्ति अलग और अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग कपड़ा दिखाई पड़ता कि नहीं दिखाई पड़ता? आप ये बताओ, कुछ अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कपड़ा दिखाई पड़ रहे हैं और अलग अलग व्यवहार भी हो रहा है, वो जो अधिष्ठान रूपी कपड़ा है से पृथक है कि अपृथक है? अधिष्ठान भी एक कपड़ा है, वो पृथक है कि अपृथक है? अपृथक है, परंतु व्यवहार में क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा दिखेगा, व्यवहार में अलग अलग दिखेगा। देखो रज्जु रूपी अधिष्ठान में हमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग भ्रांति भी, कोई कहता है कि सर्प है, कोई कहता है जलता रहा है, कोई है भूचित्र है, कोई कहता है माला है, कोई कहता है दंड है, और अलग अलग व्यक्ति को एक ही सर्प को दिखाई दे रहा है, और वो जो रज्जु सर्प भूचित्र जलधारा माला ये जो है उस रज्जु से भिन्न तो नहीं है, परंतु व्यवहार काल में क्या होगा? जिसको सर्प को दिखाई दिया वो भागेगा, जिसको जलधारा दिखाई दिया सोचते प्यासे हूँ थोड़ा पानी, वो क्यों दिखाई दे रहा है पानी में जा तो कमंडल तैयार करेगा, जिसको माला दिखाई दिया तो कपड़ा को ठीक कर देगा मैं माला पढ़ूंगा, जिसको हमारी तरह पैर में दंड खराब है तो दंड ढूंढता है तो दंड उठाने का कोशिश करता है। देखो देख रहा है एक ही वस्तु को, अलग अलग कल्पना के कारण अलग अलग व्यवहार हो रहा नहीं हो रहे, तो यही है वो पृथक है कि अपृथक है? उससे मतलब कल्पना काल में अपृथक है, व्यवहार काल में पृथक जैसे प्रतिदिन होते, बिल्कुल यही चीज भी यहाँ होगा। ज्ञान काल में नहीं, हाँ जिस समय आपको दिखाई दे रहा है उस समय क्या होता है वो अपृथक है, परंतु व्यवहार काल में क्या है? पृथक पृथक प्रतिदिन होती है। ये जो यहाँ पे बोला कि न पृथक न अपृथक किंचित, आप वो अलग भी नहीं बोल सकते हैं और अलग नहीं है ये भी नहीं बोल सकते, न पृथक न पृथक किंचित तीन दृष्टांत दिया। एक हमारा इसका क्या, और जो कपड़े के ऊपर पेंट है पंचदशी का दृष्टांत है, और हम यहाँ पे जो ये हमारे जल धर्म वाला दिया हुआ है, एक अपने आप भी समझ लो, दो व्यक्ति लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करते समय एक व्यक्ति ने एक का टांग में दिया कस के एक, उस व्यक्ति ने तुरंत हाथ उठा लिया, हे मैंने तेरा टांग पे मारा तो हाथ क्यों उठाया, ये तो मैं ही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, जिस व्यक्ति पैर में थोड़ा चोट अधिक लग गया होगा
तो वो क्या किया, डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर खूब पैर अच्छे से हाथ, आपका तो छोटा है, थोड़ा दवाई दवाई लगाना पड़ता, और फिर हाथ में दवाई लगाना शुरू कर दिया। अरे क्या करते हो, क्यों, तुम्हें तो कहा था कि ये तो मैं ही हूँ, पैर में चोट है, क्या तुम्हें तुम्हें कहते दवाई लगा रहा हूँ मैं, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है कि पैर में चोट है। हम तो तुम बोल रहे थे मैं अकेले ही वही हूँ, मैं एक हूँ, अपनी दृष्टि से मैं एक हूँ, परंतु व्यवहार दृष्टि से पैर आता एक होते हुए भी अलग जैसे व्यवहार, अलग अलग उपयोग। ये जो है ये पृथक और अपृथक, तो हमको जो प्रतीति होते हैं ना, ये कैसे अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, कैसे अलग, बस केवल व्यवहारिक बुद्धि हमारे मन में बैठा हुआ है, और वो व्यवहार भी पारमार्थिक अस्तित्व के ऊपर ही व्यवहार होता है, पारमार्थिक अस्तित्व को छोड़कर के व्यवहार भी सिद्ध नहीं होगा। ये चीज यदि मन में बैठ के व्यवहार करते समय भी यदि पारमार्थिकता याद रहे तो व्यवहार आपको बंधन में नहीं डालेगा, व्यवहार नहीं व्यवहार प्रतीति मात्र है, व्यवहार केवल प्रकृति मात्र है, और व्यवहार केवल इतना ही मात्र है कि एक मैंने पृथक पृथक व्यवहार के लिए हमने जो है ऐसा किया हुआ। तो अब श्लोक अर्थ क्या हो गया, न आत्मभावेन नाना इदम, जब आत्मदृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे भिन्नता नहीं है, जो आत्मा ही है, न स्वेनापि कथंचन, और यदि उसको अलग करके देखेंगे तो उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ना पृथक किंचित, वो पृथक भी नहीं है कोई भी वस्तु, ना आत्मा से भिन्न है ना अभिन्न है, इसलिए जो अनिर्वचनीय बोलते हैं। इति तत्वविदः विदुः, इस प्रकार से तत्ववेत्त पुरुष लोग ऐसे ही जानते हैं, इति तत्वविदः विदुः, इसलिए तत्व को यदि आप जान लेंगे तो आपको क्या लिखेगा, अरे अधिष्ठान रूप परमार्थ मुझ में सारा व्यवहार करती है ना, इस परमार्थ को आश्रय किए बिना व्यवहार भी सिद्ध नहीं होगा। क्यों, रज्जु के रज्जु पारमार्थिक स्थिति अधिष्ठान है, उसके ऊपर ही आपका कल्पना हो रहा है, और इस कल्पना करते व्यवहार करते समय आपको भिन्न भिन्न, जिस समय कोई अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो सबको देख करके दौड़ रहा है, पानी देख करके आगे जा रहे हैं, जलधारा देख करके उदासीन हो रहे हैं, माला देख करके पहनने का इच्छा करता है, पंत कैसे, वो जो अधिष्ठान परमात्म सत्व रज्जु है उसी के साथ ही जो व्यवहारिक रूप दिखाई पड़ रहा है उसके साथ ही व्यवहार सिद्ध होता है। इसलिए ये पृथक भी नहीं है और पृथक भी नहीं है। सबसे अच्छा दृष्टांत तो जो हमारा पंचदशी का है, मूल कपड़े का ऊपर ही छोटा छोटा अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कपड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, मूल कपड़े का ऊपर ही ऐसे ही रंग भर दिया कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यवहार करके दिखाई पड़ता है। अब क्या हो गया, वो परमार्थ को आश्रय करके व्यवहार सिद्ध होता है, भेद सिद्ध होता है, इसीलिए भेद को आप उस परमार्थ से अलग भी नहीं बोल सकते और भिन्न भी नहीं बोल सकते, अभिन्न भी नहीं बोल सकते, इसलिए इसको अनिर्वचनीय में कहा जाता है। इसलिए बोलता है इति तत्वविदो विदु, इस प्रकार से तत्ववेत्त पुरुष लोग ऐसा जानते हैं। इसीलिए मैंने कल बताया था कि माइक व्यवहार तीन प्रकार से होता है, तुच्छ अनिर्वचनीय वास्तविक इति असुर त्रिधा ज्ञा माया त्रिधिर बोधे, तीन प्रकार की बोध से माया तीन प्रकार से व्यवहार करता है, एक हो गया श्रोत, एक होता है ज्योतिक, एक होता है लौकिक, है ना, एक तुच्छ हो गया आपका श्रुति संबंध आधार पर चलेंगे तो जगत तुच्छ होगा, युक्ति के आधार पर जाएंगे तो अनिर्वचन अनिर्वचन नहीं कर पाएंगे, सत्य है असत्य है, और लौकिक दृष्टि से सत्य दिखाई पड़ता है, लौकिक दृष्टि से न तुच्छ अनिर्वचनीय च वास्तविक च इति असौ त्रिधा ज्ञेया माया त्रिभिर बोधे, त्रिधा ज्ञेया माया त्रिभिर बोधे, तीन प्रकार माया की व्यवहार होता है, एक हो गया आपका स्रोत, एक हो गया ज्योतिक, एक हो गया लोभी, स्रोत दृष्टि से जगत तुच्छ है ठीक है, और युक्ति से ये अनिर्वचनीय सिद्ध नहीं कर सकता, एक असत्य समझ नहीं पा जाता पाता हूँ, और लौकिक दृष्टि से क्या है कि ये वास्तविक सत्य है, ऐसा प्रतीति होती है ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे बोल दिया न आत्मभावेन नानाइदम और न सेना भी कथनचन, आत्मा के साथ मिलकर के मतलब अधिष्ठान रूप में नाना तो नहीं है और अधिष्ठान से अलग करके स्वतंत्र नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, इसीलिए इसको पृथक अथवा अपृथक दोनों रूप से निर्वचन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार तत्ववेत्त पुरुष लोग जानते नमस्ते, इसका भी पुण्य आप देखिए इसमें आ जाइए भाष्य में। अच्छा पहले टीकाकार श्लोक का अर्थ करते हैं, देखिए इदम ही नाना भूतम द्वैतम
न आत्म तादात्म्य न सिद्धुम अगति। ऊपर शंका क्या किया था, पूर्ववादी प्रश्न पूछ रहा, सिद्धांती द्वैतवादियों से प्रश्न पूछ रहा है कि आपको जो भेद दिखाई पड़ता है कि आत्मा के साथ तादात्म्यता के भेद दिखाई पड़ता है कि आत्मा से अलग करके भेद दिखाई पड़ता है, ये तो पूछा ना, किंच किम इदम नानाभूतम द्वैतम आत्म तादात्म्येन सिद्धति स्वातंत्र नवाम, ठीक है ना, ये प्रश्न उठाता। आप यदि कहते हैं आत्म तादात्म्य, आत्मा के साथ एक होगा जब आत्मा दिखेगा आपको भेद ना दिखेगा, इसलिए बोलते हैं इदम ही नानाभूतम द्वैतम न आत्म तादात्म्येन सिद्धुम अर्हति। ये नानाभूतम द्वैतम आत्मा के साथ तादात्म्यता से तुम सिद्ध नहीं कर सकते हो। पानी ने अपने किसी कलर को मिला दिया, जहाँ पे पानी का अधिष्ठान तो पादश विश्व भूतानि त्रिपादश समृतम देवी, थ्री फोर्थ आपका पूरा के पूरा सौ भाव पूरा शुद्ध चेतन बैठा हुआ है, उसमें 25% केवल मात्र नाम रूप दिखाई पड़ रहा है आपको, तो 25% यदि 75% के साथ मिल जाता है आपको क्या दिखाई देगा, वो 75% ही दिखाई देगा आपको, वो तो उसके साथ मिल गया, इसीलिए पूरा आत्म रूप में दिखाई देगा आपको। इसलिए बोलते हैं एकदम ही नाना भूतम द्वैतम न आत्म तादात्म्य, आत्मा के साथ तादात्म्य करके आप इसको सिद्ध नहीं कर, मतलब द्वैत प्रपंच को सत्यत्व मान्यता देकर काम कह रहे हैं, हमारे दृष्टि में तो है ही नहीं। इसलिए एकदम ही नाना भूतम द्वैतम न आत्म तादात्म्य न सिद्धुम अर्हति, क्यों, क्योंकि जड़ अजड़ विरुद्ध स्वभाव तादात्म्य अजुगा। अब मैं क्या बोला आपको कि पहले ज्ञान और सत्ता एक साथ है, परंतु जो भी द्वैत प्रपंच है वो ज्ञान की अपेक्षा रखता है, इसीलिए उसको सत्ता को सिद्ध भी किसी की अपेक्षा से होगा, स्वतंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जड़ और अजड़ मतलब जड़ और चेतन की तादात्म्यता तो कभी हो ही नहीं सकती। आपके शरीर जड़ है कि चेतन है, शरीर जड़ है कि चेतन, और आप अपने को क्या अनुभव करते हो कि जड़ की चेतन बोलते हैं चेतन, तो फिर आपको शरीर अपने को शरीर क्यों बोलते हो, मैं अपने को शरीर कैसे मानते हो, कितना व्यवहार समझने पर भी यहाँ पे हमें इस प्रकार व्यवहारिक गलती होती है, शरीर जड़ है ये 100% जानते हैं और अपना अनुभव है कि मैं चेतन हूँ, और फिर भी जो है मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं लंबा हूँ, शरीर के धर्मों को लेकर, ये जो व्यवहारिक जो गलती होती है ये आत्मा के साथ तादात्म्य का कैसे होना संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि जड़ और अजड़ में विरुद्ध स्वभाव है, जो जड़ और चेतन जो विरुद्ध स्वभाव वाला है इसमें तादात्म्य होना कभी संभव ही नहीं है। और भी देखिए सभी व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे लिए अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, भोग की इच्छा करते हैं, अनुकूल वस्तु को प्राप्ति की इच्छा करते हैं, प्रतिकूल वस्तु को दूर जाना चाहते हैं, भोग किसकी है, चेतन की जड़ की, जड़ कैसे भोग करेगा, टेबल का भी बोल सकता है ठंडे में खड़ा करके रख तो बोलेगा मेरे को ठंड लग रहा है मेरे को एक कम्बल ओढ़ दो, नहीं बोल सकता। और जो चेतन है आत्मा उसको किसी के साथ संबंध ही नहीं है, तो सर्वथा असंतुष्ट पदार्थ है, हाँ ये जो जड़ की गांठ लगा दिया हमने, दृष्टा और दृश्य को एकत्र कर दिया, इसमें हमारा भ्रांति, क्योंकि वो एक होना संभव नहीं है, परंतु एक को मान्यता देकर के फिर भोग इच्छा, जिनने कई मनुष्य जन्म ऐसा ही बिता दिया, अन्य वस्त्र वासस्थान के पीछे हम भी बिता देते हैं, कई मनुष्य जन्म बिता देते हैं। इसलिए हमें बोलते हैं कि जड़ अजड़ विरुद्ध स्वभाव जड़ और चेतन, ये दोनों जड़ और चेतन, देखो चेतन नहीं शब्द प्रयोग करते अजड़, क्योंकि चेतन नहीं बोल सकते सब, तो पुष्प अस्मत प्रत्यय गोचर और विरुद्ध स्वभाव तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव, एक रूप होना संभव नहीं होते, पर भी एक होगा कि व्यवहार करते हैं, पहले तो पूरा पंक्ति या था पंक्ति ये करेंगे पाएगा, जड़ अजड़ अयोर विरुद्ध स्वभाव अयोर तादात्म अयोगा, जड़ और चेतन ये देखो चेतन शब्द ने नेगेटिव अर्थ प्रयोग किया, ठीक उसके लिए चेतन भी नहीं प्रयोग बोल सकते हैं, परंतु जड़ नहीं है इतना तो हम समझ में आता है, विरुद्ध स्वभाव बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव तादात्म्य अयोगा, दोनों की तादात्म्य होना संभव नहीं होने के कारण भेदादि शून्य आत्म तादात्म्य च द्वैतस्य नानत्व असिद्धि रीति अर्थ, ठीक है ना, क्यों, यदि आपकी बात की तादात्म्यता मान पर तो जड़ और चेतन में तादात्म्य होना संभव नहीं है, और यदि तादात्म्यता मान भी एक केवल जड़ मानी है वो एक रूप है,
और रंग अलग अलग हो, वो क्या होगा, वो सब पानी उसे को पानी के साथ मिलकर के पानी रूप में ही दिखाई देगा। उसका मान तो केवल 25 या 75% है, 100% है ये, 75 नहीं 100% ये है, 25% उसमें थोड़ा नाम रूप। भेदादि शून्य आत्म तादात्म्य च, जो आत्मा में कोई भेद नहीं है, भेद रहित आत्मा के साथ तादात्म्य करके द्वैतस्य नानात्व असिद्धि, तो क्या हो जाएगा, आत्मा के साथ मिलकर के वो एक रूपी हो जाएगा, भेद भी सिद्ध नहीं कर पाओगे, ठीक से देखने लग जाओगे भेद सिद्ध नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार ये सुवर्णविद को अनेक प्रकार के अहंकार दिखाई तो पड़ते हैं, परंतु वो एक ही दृष्टि देते हैं मात्र, क्या दृष्टि, सुवर्ण दृष्टि, यहाँ पे वो अनेक नहीं देखते हैं उसको। इसके पहला मतलब आत्मा के साथ तादात्म्य करके भेद सिद्ध नहीं होता। अब यदि कहते हैं स्वतंत्र रूप से, हरे स्वतंत्र से उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं कर पाओगे। द्वितीय दूषयति न स्वेनापि कथंचन, किसी भी प्रकार से उसका जो है मतलब सत्ता सिद्ध हो ही नहीं सकता। उसको देखो देखिए, सेन सत्ता प्रतीत्यो अन्न अनपेक्षता लक्षण स्वातंत्रापि न इदम दैतम सिद्धुं पारयति। स्वेन मतलब अपने स्वरूप से सत्ता प्रतीत्यो, ये सत्ता और प्रतीति, ये सत और चित्त, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, है ना। तो आप जो है कोई भी ज्वरात्मक वस्तु अपनी सत्ता को अपने आप सिद्ध नहीं कर सकते, कोई चेतन तत्व उसको सिद्ध करता है, ज्ञान की अपेक्षा रखते हैं, इसीलिए वो पारमार्थिक जैसे सेन सत्ता प्रतीत्य अन्न अनपेक्षता, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब क्या है, यदि हम अपनी सत्ता और अपनी प्रतीति के लिए बोध के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखते, वो हो गया स्वतंत्र। अब बताइए कि ये संसार में कोई भी वस्तु की आप बोध करेंगे इंद्रियो मन बुद्धि के माध्यम से होगा, परंतु आत्मा इंद्रियो मन बुद्धि की अपेक्षा नहीं है, इसलिए आत्मा एकमात्र स्वतंत्र वस्तु, बाकी सारा परतंत्र है, बाकी सारा परतंत्र। इसलिए बोलते हैं स्वेन सत्ता प्रतीत्यो, अपनी सत्ता और प्रतिद्वंद का अन्न अनपेक्षता लक्षण, दूसरे की अपेक्षा नहीं रखने के द्वारा लक्षित होता है जो स्वतंत्रता, स्वातंत्र उस स्वतंत्रता के द्वारा भी नैतम द्वैतम सिद्धम पारण, इस द्वैत को तुम सिद्ध करने में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि उसका सत्ता ही सिद्ध नहीं होगा स्वतंत्र रूप से। आत्मा की सत्ता से, अधिष्ठान की सत्ता से भ्रांत वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है, अधिष्ठान की सत्ता से ही भ्रांत वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है, इसलिए तथा स्वातंत्रे सति आत्मत्व प्रसंगा अनात्म अद्वैतत्व आपात, अनात्मा अद्वैतत्व आपात, यदि वो भी स्वतंत्र रूप से अपना सत्ता स्फूर्ति सिद्ध कर सकता है तो क्या हो जाएगा, वो आत्मा चेतन हो जाएगा, तो अचेतन कुछ रहेगा ही नहीं संसार, विश्व कुछ रहेगा ही नहीं संसार। तथा यदि ऐसे तथा मतलब आत्मवत तब क्या हो जाएगा, तब वो भी यदि अपना सत्ता स्फूर्ति को अपने आप स्वयं सिद्ध करता था, ये जड़ यदि कह सकते हैं कि मैं टेबिल हूँ मेरे को ठंड लग रहा है, तब इस शरीर के अंदर जो बैठा, इस शरीर भी ऐसे ही यहाँ पे जब तक तो बैठा हुआ है और इसमें चेतनता की अभिव्यक्तिकरण भी है, तो इसके साथ इसका कोई भेद ही नहीं रहेगा। इसलिए बोलते हैं तथा स्वातंत्र सति आत्मत्व प्रसंगा, ये आत्मरूपी हो जाएगा, अनात्म अद्वैतत्व आपात क्या जाएगा, अनात्मा वस्तु भेद रहित हो जाएगा, जो अनात्मा अलग 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 लिख रहे अद्वैत आपात मतलब भेद रहित हो जाएगा, सब एक ही रूप हो जाएगा, मतलब इसी अर्थ है इसका विपरीत अर्थ। इसके आगे क्या लिखा है, यहाँ तक हमने पढ़ा टीका में किम किम इदम, दो बार किम किम आ रहा है ना, वहाँ पे पहले में किम च कर दीजिए, एक चक्का लगा दीजिए किम के साथ मिलाकर, मोर ओवर आप ये पूछते हैं किम च किम इदम द्वैतम अन्योन्य पृथक पृथक एव इति विवक्तव्यम, किम इदम द्वैतम अन्योन्य पृथक अपृथक वा इति विवक्तव्यम, ठीक है ना। आप और भी आप पूछते हैं ये जो द्वैत प्रपंच आपको दिखाई पड़ रहा है किम च, एक और भी रूप में देख लो, किम इदम द्वैतम अन्योन्यम आपस में अन्योन्यम पृथक अपृथक वा, वो भिन्न भिन्न है अथवा अभिन्न है, इति विवेकतव्यम, ये भी तुमको विचार पूर्वक समझना चाहिए, ये भी तुमको विचार पूर्वक समझना चाहिए, ठीक है ना। किंच और भी देखो किम इदम दैतम, ये जो आपको दैत्य दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, ये सांप है, ये भूषित है, दंड है, दंत है, माला है,
अकेला बोलते हैं ना, अनंत पृथक ये आपस में पृथक है अथवा पृथक है, ये विचार करना चाहिए। स्वरूप से अपृथक होते हुए भी व्यवहार दृष्टि में पृथक जैसे रहता है, स्वरूप से अपृथक होते हुए स्वरूप से वो रज्जु रूप होते हुए भी व्यवहार उसको देख करके जो व्यवहार कर रहा है वो अलग अलग है, तो अलग अलग है। स्वरूप से वही मूल कपड़ा होते हुए भी और अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग कपड़ा की प्रतीति होती है। स्वरूप से एक होते हुए भी व्यवहार में हाथ अलग पैर अलग होता है, स्वरूप से एक है शरीर है पर व्यवहार में पैर कितना अलग आता है, इसलिए इसको पृथक और पृथक दोनों रूप से निर्वचन नहीं किया जा सकता। आपस में ये भिन्न है न पृथक, श्लोक में जो आया न पृथक न पृथक किंचित न पृथक नहीं किंचित अपनी द्वैत परस्पर पृथक सिद्ध, कोई भी द्वैत प्रपंच को आप अलग करके सिद्ध नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये जो भेद सिद्ध करते हैं ना नए दर्शन में कहते हैं ना अनन्य अभाव, चार प्रकार के अभाव मन क्या कहें राग अभाव प्रध्वंस अत्यंत अनन्य अभाव प्रध्वंस भी आपका जो प्रध्वंस अभाव हो अथवा अत्यंत अभाव हो ये अनन्य अभाव मतलब एक में दूसरे की अभाव है। यहाँ पे अनुयोगी प्रतियोगी का ज्ञान चाहिए आपको। ये पेन पुस्तक नहीं है, जब हम कह रहा हूँ ये पेन पुस्तक नहीं है तो इस समय आपका पेन दिखाई दे रहा है परंतु पहले से आपको पुस्तक के ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वो नहीं है ये कहने के लिए पहले आपको वो की ज्ञान चाहिए, फिर जब इसकी ज्ञान होती है तब आप क्या बोलेंगे और फिर तब जाकर के उनके दोनों के पृथकत्व समझ में आता है। ये जो भिन्नता के ज्ञान ये आश्रित है, दो वस्तु की ज्ञान हो तब जब उसमें विशेषता भिन्नता सिद्ध भेद विशेष मतलब भेद सिद्ध होता है और भेद है तब जाके उसको अलग अलग दिखाई पड़ती है। और यदि आप बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो अब दो वस्तु का यदि आपको एक साथ ज्ञान हो रहा है, हमको लगता है ये इसी के ऊपर मैंने पेन रख दिया पुस्तक पे रख दिया एक ही साथ पेन और ये पुस्तक दोनों का, परंतु कुछ यदि एक साथ ज्ञान उत्पन्न हो रहा है तब वो पृथक नहीं तब ये एक ही ज्ञान है, और यदि अलग अलग रूप में हो रहा है तब एक का पहले हो गया दूसरे का बाद में हुआ तो क्या होगा आप उसको पृथक बोलने के लिए पृथक बोलने के लिए किसके ज्ञान की आवश्यकता है। इसीलिए ये अनन्या शब्द अनुयोगी प्रतियोगी शब्द वो लोग प्रयोग करते हैं, अनुयोगी मतलब जिसमें भेद दिखाई पड़ते हैं। जब भूतले घट नास्ति, भूतल में घरा नहीं है, ये घरा नहीं है बोलने के लिए आपको घट के ज्ञान की पहले आवश्यकता है कि नहीं है। इस अवस्था में भूतल को अनुयोगी घट को प्रतियोगी बोलते हैं, घट पट नहीं है, ये घट पट नहीं है तो ये घट हो गया अनुयोगी और पट हो गया प्रतियोगी, मतलब घट में पटत्व का भेद बैठा है, घट पट नहीं है ऐसा उनके शब्द प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए आप जो बोल रहे हैं ना अलग करके किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, नहीं किंचित अपि द्वैतम परस्परम पृथक एव सिद्ध, ये इस पृथक मतलब भेद ये इससे भिन्न है इस प्रकार किसी द्वैत प्रपंच को सिद्ध नहीं कर सकते, ये उससे भिन्न है। जैसे ही आप कहोगे तब जो है ये करके आपको सामने दिखाई दे जाए अरे जिससे भिन्न कहना चाहते हो उसका ज्ञान आपको पहले चाहिए, तो उसके ज्ञान के बिना भेद सिद्ध नहीं कर सकते हो और भेद के बिना जो है वो भिन्न का ज्ञान सिद्ध नहीं होगा अलग करके बिना, इसलिए देखा आपने आप उसमें नहीं किंचित अपि द्वैतम परस्परम पृथक एव सिद्ध थे, किसी भी द्वैत प्रपंच आपस में पृथक होकर के सिद्ध होता ही नहीं है। पृथक तत्व परिभाषा क्या दिया है नए दर्शन ने पृथक व्यवहार साध असाधारण कारण अलग करके व्यवहार करने के लिए जो असाधारण कारण है पृथकत्व के गुण माना द्रव्य का आश्रय में रहते हैं, 24 गुण में पृथकत्व एक गुण है और वो द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, अब इसलिए बोला हूँ कि पृथक व्यवहार असाधारण कारण पृथकत्व सर्व द्रव्य वित्ती वो समस्त द्रव्य में रहता है। अब ये द्रव्य इससे पृथक है ये कहने के लिए पहले आप इस द्रव्य का ज्ञान चाहिए जिससे आप पृथक बोल रहे हैं तब जाके सिद्ध होगा, नहीं कंचित अपि द्वैतो परस्पर पृथक एवं सिद्धति पृथकत्व धर्म प्रतियोगी रूप अवच्छिन्न। देखिए वो क्या क्या धर्मी और प्रतियोगी रूप से परिच्छिन्नित होता है पृथकत्व,
पृथकत्व में क्या होगा, इससे ये भिन्न है, ये जिससे आप बोल रहे हो अंजोगी, और जो भिन्न हो गया प्रतियोगी, इसकी सापेक्ष में पृथकत्व सिद्ध होता है। इसीलिए आप बोलते हैं धर्मी प्रतियोगी रूप अवच्छिन्न देना विशेष को मतलब भेद एक पदार्थ माना, द्रव्य गुण का सामान्य विशेष बोलते हैं, और उनसे पूछते हैं जो विशेष बोलते हो ना कि द्रव्यों की पृथकत्व सिद्ध होता है तो आप उसमें विशेष मानते हो, तो विशेष के कारण द्रव्य में भेद मानते हो, द्रव्य में भिन्नता के कारण विशेष एक अलग पदार्थ माना, अर्थात विशेष अलग पदार्थ होने के कारण द्रव्य में भिन्नता मानते हैं। क्या मानते हैं? अनन्याश्रित है, द्रव्य पृथक होता तो उसमें विशेष रहेगा, और यदि विशेष अलग करके रह जाए ज्ञान होगा तब जाकर द्रव्य में पृथकत्व सिद्ध कर सकते। घट से पट भिन्न है, क्योंकि घट में कुछ विष घट में घटत है, पट में पटत है, तो पटत तो घट घट में नहीं है और घटत तो पट में नहीं है। इसलिए इस प्रकार से जो आप पहले आप ये जो विशेष आप बोल रहे हैं, विशेष को एक पदार्थ मानते हैं, जिससे प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक परमाणु में अलग अलग जो है विशेष होता है, प्रत्येक परमाणु में ऐसा मानते हैं, तभी परमाणु को भिन्नता सिद्ध होता है उससे, और ये सिद्ध ही नहीं होता, क्योंकि धर्मी प्रतियोगी को अपेक्षा ज्ञाप्ति में समझना बोध में पृथकत्व धर्मी प्रतियोगी रूप अवच्छिन्न अनुन्न आश्रयत्वात् धर्मत्व स्वरूपत्वयोर् दुर्वचनत्व दुर्वचनत्वात् इति अर्थ। ठीक है, केवल इतना पंक्ति को तीन टिप्पणी आई हुई है। ठीक है कि नहीं किंचित अपि द्वैत परस्परम पृथक एव सिद्धति, कोई भी द्वैत प्रपंच को अलग करके सिद्ध नहीं कर सकता, कि पृथक पृथकत्व एक धर्म है और पृथकत्व धर्म का वो धर्मी प्रतियोगी की अपेक्षा रख करके हो जाए, धर्मी प्रतियोगी रूप अवच्छिन्न देना, घटा घट पट से भिन्न है तो पट घट से भिन्न है। अब जिसको भी बोलोगे मतलब घट में पटत तो नहीं है और पट में घटत तो नहीं है, तो आपको घट और पट की इसमें ये नहीं है अथवा एक इससे भिन्न है, इसमें दोनों को आपको ज्ञान चाहिए अलग अलग, ये जो ज्ञान के आश्रय करके तो भेद सिद्ध होता है। अब यदि अभेद सिद्ध करने के लिए पहले इसका ज्ञान चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि पृथकत्व धर्म प्रतियोगी रूप अवच्छिन्न देना अनन्न आश्रय। तीन नंबर टिप्पणी में देखिए, तीन नंबर में रूप अवच्छिन्न देना तद अवच्छिन्नत्वम इह तद निरूपितत्वम इति अर्थ। अवच्छिन्नत्वम मतलब हो गया क्या, घट अभाव के द्वारा निरूपित हो गया पटत्व पृथकत्व, क्योंकि घटत्व धर्म वहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, अब घटत्व धर्म आप नहीं बैठे वहाँ पे कहने के लिए आपको पहले घटत्व की ज्ञान चाहिए, तभी तो सिद्ध होगा। इसलिए हमें बोलते हैं तब अवच्छिन्नत्वम इह तद निरूपितत्वम, अवच्छिन्नत्वम अभी तक है उसके द्वारा निरूपित, उस अभाव के द्वारा निरूपित होता है इति अर्थ। अनन्न आश्रयत्वात् इति, जब आप ने समझ लें समझ अनन्न आश्रय के बाद नहीं पृथकत्व बुद्धि घटते प्रमाणत्व, ये इससे भिन्न है, इससे पृथक है, ये प्रमाण के द्वारा आप सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं पृथकत्व बुद्धि घटते प्रमाणत्व, क्यों, बिना जो धर्म प्रतियोगी संविदा, जब तक आपको अनुयोगी प्रतियोगी का ज्ञान ना हो तब तक आप जो है इसका भेद सिद्ध नहीं कर सकते। पृथकत्व बुद्धि को छोड़ करके आप इसको अलग दृष्टि से देखना भी नहीं, यदि आपको ये घट और पट ये बुद्धि बैठा हुआ है पहले से आप इसके पृथकत्व ढूंढने नहीं जाएंगे, तो पृथक भेद बुद्धि पहले आपने बैठा लिया, परंतु दोनों के अलग अलग ज्ञान के बिना भेद बुद्धि होती नहीं है, और भेद बुद्धि के बिना पृथकत्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए आप बोलते हैं न पृथकत्व बुद्धि विरहय कल्पते तथैव धर्मी प्रतियोगी धीर अभी ये धर्म अनुयोगी प्रतियोगी बुद्धि विदिति अनन्न आश्रय बुद्ध, ये अनुयोगी है ये प्रतियोगी है, ये भी आप देखिए जिस समय घट में पट का भेद आपने मन में बैठा लिया, क्या बैठा लिया, मैं घट में पट भेद सिद्ध करूंगा, कभी आप मन में बैठा कि पट में घट भेद सिद्ध करूंगा, ये भी आपका गलती है, आपने मन से मान लिया कि इससे भिन्न है तब आप उसको भेद सिद्ध करने में लगा हुआ। इसलिए आप बोलते हैं धर्मी प्रतियोगी धीर अभी यदि अनंत आश्रय बोलता विनय कल्पते, धर्मी प्रतियोगी ये अनुयोगी है ये प्रतियोगी है,
ये अनुयोगी मतलब जिसमें आप भेद सिद्ध करना चाहते हो गया अनुयोगी, और जिसका भेद सिद्ध करना चाहते हो गया प्रतियोगी। इन दोनों पुस्तक के अलग अलग ज्ञान और पहले मन में आपने बैठा लिया कि ये भिन्न है, तब जाके भेद सिद्ध करने के लिए प्रमाण ढूंढते हैं। परंतु उसके ज्ञान के बिना भेद सिद्ध नहीं होता, और भेद बोध के बिना उसका भिन्नता सिद्ध नहीं होता। इसलिए बोलते हैं यदि अनन्य आश्रय बोध्य धर्मी प्रतियोगी ज्ञाने पृथकत्व ज्ञाने च, इसलिए बोलते हैं यदि अनन्य आश्रय बोध्य, एक दूसरे का आश्रय में होता है। क्यों? कि धर्मी प्रतियोगी ज्ञान, धर्मी का ज्ञान और प्रतियोगी का ज्ञान, धर्मी मतलब अनुयोगी और प्रतियोगी ज्ञान पृथकत्व ज्ञान च, अरे पृथकत्व बोध, ये धर्मी प्रतियोगी का आश्रय करके पृथकत्व ज्ञान होता है, और पृथकत्व का आश्रय करके धर्मी प्रतियोगी का ज्ञान होता है। इसीलिए यहाँ पे अनन्य आश्रय से तयोर ज्ञानम चतुर्दपिति ज्ञातो अनन्य, बोध में अनन्य आश्रय का है। घट और पट एक दूसरे का आश्रय में ये हम नहीं बोल रहे हैं, उसमें जो भेद सिद्ध कर बोध में भी, बोध के लिए आपको क्या हो जाएगा कि घट घटत्व घट विशिष्ट, घटत्व विशिष्ट घट के ज्ञान, पटत्व विशिष्ट घट के ज्ञान, ये दोनों पहले आपके पास हो और फिर मन में बैठा हुआ कि ये दोनों भिन्न वस्तु है, लेकिन घटत ये भिन्नता को सिद्ध करने के लिए पहले आपको उसके ज्ञान चाहिए, और ये उसकी ज्ञान हो तब जाके भिन्नता सिद्ध होती। इस प्रकार से बोध में एक अनन्य आश्रयत्व आता है। उसको और समझाने के लिए धर्मत्व स्वरूप तयोर दुर्वचन कर, ये इसका धर्म है और ये इसका स्वरूप है। अब ये बताओ अग्नि की उष्णता धर्म है कि स्वरूप है? अब यही है, इसको भी निर्णय नहीं कर पा, यही चीज यहाँ होता है। ये धर्मत्व बोलने के लिए आपको जो है उसका स्वरूप बताना पड़ेगा, और स्वरूप बोलने के लिए उसमें धर्म होना चाहिए, उसमें धर्म होना चाहिए। इसीलिए आप बोलते हैं धर्मत्व स्वरूप दुर्वचन, कौन धर्म है कौन स्वरूप है इसको भी निर्वचन करना कठिन होता है। इसलिए अनेक प्रश्न है धर्म इत्यादि प्रतियोगी विशिष्ट विशिष्ट पृथकत्व धर्म प्रतियोगी के द्वारा विशिष्ट होता, प्रतियोगी हो गया तो धर्मत्व घटादे रखी पटादे धर्मत्व प्रसन्न। यदि इस प्रकार से आपको पृथकत्व रूपी एक धर्म अलग अलग जगह में बैठा कर यदि ऐसा मान्यता दोगे तब क्या हो जाएगा कि घट में क्योंकि धर्म और स्वरूप ये निर्णय नहीं कर पाओगे, तब क्या हो जाएगा कि घट में भी पटत्व धर्म बैठा दोगे, पटत्व में घटत्व धर्म बैठा दोगे, ये आपको दोष आ जाएगा, व्यवहार नहीं कर पाओगे। प्रतियोगी विशिष्ट पृथकत्व, प्रतियोगी के द्वारा विशिष्ट हो कि जो पृथकत्व धर्म है धर्म से घटा देगा पृथक, घट में भी क्या होगा पटत्व धर्म आने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि आप विशेषता दोनों में बैठा रहे पृथकत्व रूपी धर्म दोनों में यदि बैठाना चाहते हो तो यदि एक धर्म है तो घटत्व धर्म में बैठा है तो पट में पटत्व धर्म में पृथकत्व रूपी धर्म आप घट में भी बैठा है पट में भी बैठा है, अल्टीमेटली क्या होगा घट और पट तो एक ही पत्र जो सिद्ध कर दो, क्योंकि जिस प्रकार घटत्व धर्म से विशिष्ट हो आप घट बोल दो, पटत्व धर्म के विशिष्ट हो आप पट बोलते हैं, आप क्या पृथकत्व धर्म विशिष्ट बोलते हो, तब क्या हो जाएगा पृथकत्व यदि एक धर्म है तो घट में भी रहेगा पट में भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा दोनों एक ही वस्तु हो जाएगा, हर एक घट में घटत्व रहता है। इसी प्रकार हर एक वस्तु में यदि पृथकत्व रहेगा तो एक ही वस्तु हो जाएगा, अलग नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वरूपत्म को तस्य इतर सापेक्ष, उसका स्वरूप निर्णय करने के लिए धर्म के सापेक्ष में होना है, और धर्म स्वरूप के सापेक्ष तदेव न संभवति इति संशय, संक्षेप में तो ये कहना ये होना संभव नहीं है। पृथकस्य पृथकत्व धर्मत्वे पृथकत्व जो एक धर्म है धर्मिन सकाशात् तस्य पृथकत्वं वाच्यम्, तो क्योंकि उसके सिद्धांत के अनुसार द्रव्य और गुण भिन्न होता है, द्रव्य को आप धर्मी बोलते हो और धर्म को आप गुण बोलते हो, तो द्रव्य और गुण में भिन्नता होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत कौन सा पदार्थ अलग अलग मानते द्रव्य अलग अलग पदार्थ मानते होते हैं। पृथकत्व से धर्म थे पृथकत्व को जब एक धर्म मानोगे धर्मी और सकाशा जिसमें पृथकत्व को बैठा हो उस धर्मी से उसको क्या हो जाएगा भिन्नता पृथकत्व का बोलना पड़ेगा। अपृथक भूत तयोर परंतु इस प्रकार से आप क्या हो जाएगा कि जो अपृथक भूत है मतलब जो द्रव्य आश्रय गुण गुण किसको बोलते हैं द्रव्य आश्रय में रहते हैं तो अपृथक हो गया, द्रव्य गुण के आश्रय गुण द्रव्य के आश्रय में रहेगा, इसलिए अपृथक भूत है तयोर धर्म धर्मी भाव अजोगा। इस प्रकार से जो दोनों एक रूप हो गया उसमें धर्म धर्मी भाव होना संभव नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा एक एक अनावस्था दोष आ जाएगा। पहला तथा च पृथकत्व किम पृथकवती वर्तते अथवा द्रव्य रहित
द्रव्य रहित वर्तते। ये पृथकत्व कहाँ, पृथक में बैठेगा अथवा द्रव्य से रहित कह के बैठेगा, न अंत बैठा था किस द्रव्य में नहीं रहेगा, मतलब धर्म यदि मतलब गुण यदि द्रव्य में नहीं रहेगा तो हमारा सिद्धांत की बैठक हो जाएगा। और यदि बोलते नहीं पृथकत्व प्रथम पृथकत्व में बैठेगा तब आत्मश्रय दोष हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं न अंत्यो दो तथा पृथकत्व किम पृथकवती वर्तते तद रहित पृथकत्व पृथक वाले में बैठेगा अथवा पृथकत्व से रहित में बैठेगा, न अंत्यो रहित में तो नहीं बैठ सकता है क्योंकि बैठक हो जाएगा। जहाँ पे पृथकत्व नहीं है वहाँ पृथकत्व बैठे आप कह नहीं सकते, आद्य जहाँ पे पृथकत्व है वहाँ पृथकत्व बैठक है, आद्य पे किम तेन ही पृथकत्व न अष्टयस्य तद्वत्तम अथवा पृथकत्व अंतर है ना, जो पृथकत्व बैठा हुआ जिसमें उसमें पृथकत्व बैठेगा, तो जो पृथकत्व पहले में बैठा हुआ है वही पृथकत्व यहाँ बैठेगा अथवा उसके भिन्न पृथकत्व बैठेगा। एक द्रव्य में पृथकत्व रूप धर्म बैठा हुआ है, अब उस द्रव्य में जो पृथकत्व रूप धर्म बैठा हुआ है वही पृथकत्व धर्म वहां बैठेगा अथवा उससे भिन्न बैठेगा। यदि वही बैठता है तो आत्माश्रय दोष हो गया, यदि भिन्न बैठता है तो अनवस्था दोष का उसको किस आश्रम में रखोगे, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जो पृथकत्व के धर्म किसी द्रव्य में बैठा हुआ है उसी में वही पृथकत्व धर्म दोबारा बैठेगा तो आत्माश्रय न द्वितीय दुष्ट भी नहीं बोल सकते अन्न अन्न आश्रय तो दुष्ट में दुष्ट का आश्रय हो जाएगा। इति धर्म तस्य दुर्वचनम् इस प्रकार जो है ये इसका धर्म है ये तू निर्वचन नहीं कर पाओगे। एवं पृथक्तस्व स्वरूपत्वे स्वरूप ग्रहण यदि पृथकत्व उसका स्वरूप हो जाएगा तो स्वरूप का ग्रहण करने से उसका ग्रहण हो जाने के कारण पृथकत्व से संशय अनुभूति पृथक है कि नहीं है इसको लेकर संशय होना युक्ति संगत नहीं है। यदि जिस प्रकार अग्नि का स्वरूप उष्णता है इसको लेकर के किसी का शंका नहीं है, परंतु अग्नि शीतल है कि नहीं इसको लेकर के शंका है, क्यों क्योंकि उपाधि के कारण आता है। जब आप उपाधि के साथ जुड़ते हैं तब उष्ण मतलब शीतलता दिखाई पड़ते हैं अथवा अग्नि में उष्णता अथवा उष्णता में शीतलता ये उपाधि के कारण होते हैं। यदि उसका धर्म है मतलब स्वरूप भूत है उसको लेकर के शंका ही नहीं होता कभी किसी का, इसलिए बोलते हैं एवं पृथकत्व स्वरूप स्वरूप ग्रहण तत्वा पृथकत्व संशय अनुपत्ति उसमें संशय होना संभव नहीं है। धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष अनुभव इसके सिवा जो है ये तो अनन्य उसके द्वारा भी घोषित है क्योंकि ये पृथकत्व आपको धर्मी और प्रतियोगी के सापेक्ष सिद्ध होगा, इसलिए भी युक्ति संगत है इस प्रकार का दोष जो पहले कही कहता वो भी यहाँ पे समझ लेना चाहिए। ये धर्म है ये स्वरूप है पृथक है ये उससे पृथक है ये उस द्रव्य का स्वरूप है और इसका धर्म है ये भी आप निर्वचन नहीं कर पाओ, इसलिए बोलते हैं कि नहीं किंचित अपि द्वैतम परस्परम पृथक एव सिद्धति कोई भी द्वैत प्रपंच परस्पर भिन्न रूप से सिद्ध नहीं होता, क्यों पृथकत्व धर्मी प्रतियोगी रूप अवच्छिन्नतेन पृथकत्व को समझने के लिए आपको अनुयोगी प्रतियोगी के द्वारा निरूपित होने के कारण परिच्छिन्न निरूपित होने के कारण अनन्य आश्रयता मतलब अनुयोगी के आश्रय का प्रतियोगी प्रतियोगी का ज्ञान अनुयोगी का आश्रय प्रतिष्ठित अनन्य आश्रय होने के कारण एक ये हो गया। दूसरा कहता है धर्मत्व स्वरूप का धर्म है अथवा स्वरूप है पृथकत्व ये भी दुर्वचन इसको जो सिद्ध नहीं कर पाए तो तिथि अर्थ क्योंकि स्वरूप होता तो कभी शंका नहीं होती ये इससे पृथक है कि नहीं है ये शंका होती है कि एक ही वस्तु है वहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं तो भ्रांति से आप देख आप बोल रहे नहीं नहीं वहाँ पे तो सर्प है मैं बोल रहा नहीं नहीं वहाँ पे माला है अब बताओ कौन निर्णय करेगा इसको हम लोगों को जा करके वहीं से देखना पड़ेगा वास्तविक क्या है तब क्या निर्णय होगा न सर्प है न माल है केवल एक मात्र सर्प है। अब इसीलिए इस सर्प के ये रज्जु है ये रज्जु तो धर्म को वहाँ पे निरूपण करने के लिए उससे जो भिन्न आपको दिखाई दे रहा है उसका भी ज्ञान चाहिए, इसीलिए इसको अनन्य उसके तरह घोषित होने के कारण इसका धर्म है अथवा स्वरूप है अब इसको पृथकत्व को निर्णय ही नहीं कर पाओगे। ये पृथक एक एक वस्तु तब तक ये टेबल इससे पृथक है कि आप निर्णय नहीं कर पाओ। हाँ व्यावहारिक दृष्टि में इससे कुछ काम अलग होता है इससे कुछ काम अलग होता है स्वरूप अलग इसमें कोई भिन्नता नहीं है क्योंकि सभी सच्चिदानंद से निरूपित हो रहे हैं। और भी बोल रहे हैं ना भी किंचित अन्योन्य अपृथक भूता सिद्धति और भी आपस में जो अपृथक
अलग होकर के भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अनुज जी को प्रकृति का छात्र सिद्ध है। सिद्ध गति घट पटादि शब्दानाम प्रजयत्त प्रसंग, यदि यदि अप्रचक रूप से सिद्ध होता, अप्रचक मतलब अभिन्न रूप से सिद्ध होता, तो घट पद के द्वारा जैसे बोलोगे पट शब्द के द्वारा वैसे सिद्ध ही बोलोगे, भिन्न रूप से अलग करके सिद्ध नहीं हो सकता, तो अभिन्न रूप से सिद्ध होगा। यदि अभिन्न रूप से सिद्ध होगा तो जो घट है वही पट होगा, जो पट है वही घट होगा, तो व्यवहार कर चलेगा। इसलिए पारमार्थिक सिद्ध ही नहीं था। घट पट आदि शब्दानाम पर्यायत्त प्रसंग व्यवहार रूप आपदा, तब क्या होगा व्यवहार की रूप हो जाएगा। इति आवश्यक मन में रख करके न अपृथक किंचित, इसलिए कोई पृथक भी नहीं है अपृथक भी नहीं है। मतलब सिद्धांत तो क्या हुआ, यानी कि तात्विक दृष्टि से अपृथक होते हुए भी व्यवहारिक दृष्टि से मत तो पृथक तथा की प्रतीति मात्र होती है। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप आत्मस्वरूप की ओर चले जाएंगे, वहाँ पर मनती होता रहेगा, सारा व्यवहार धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए जो बोलता है ज्ञान कर्म में, ज्ञान और कर्म में विरोध, इसलिए बोलते हैं घट पटादि शब्दान पर्यायत्त प्रसंग। यदि आप अपृथक मानोगे, अपृथक मतलब अभिन्न मानोगे, तब क्या हो जाएगा जो घट है वही पट है, यही बोलना पड़ेगा आपको। हम वेदांति ऐसे नहीं बोलते हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है, सब आत्मरूप है, व्यवहार में अपने व्यवहारिक मर्यादा को व्यक्त, इसलिए व्यवहारिक भेद को मानो, पारमार्थिक भेद नहीं है। ये हमारे सिद्धांत प्रसंगा व्यवहार लोग आपदा की लोग प्राप्त हो जाएगा में न अपृथक किंचित, तत्व सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता, तत्ववेत्ता पुरुष ऐसा कहते हैं। अब वास्तवाकारेण सर्वथा निरूपण असहम एवं दैतम इति फलितम, इसलिए पारमार्थिक दृष्टि से किसी भी प्रकार से द्वैत का निरूपण सहनी नहीं होता, असहम एवं दैतम निरूपण, द्वैत का निरूपण करना सहन नहीं होता, पारमार्थिक दृष्टि से द्वैत का निरूपण करना सहन नहीं होता। व्यवहारिक दृष्टि से मानो तो हमारे साथ कोई आपत्ति नहीं है, और व्यवहार भी परमार्थ को आश्रय करके व्यवहार होता है। अतः छह नंबर टिप्पणी में बोलते हैं, अतः मतलब पृथकत्वादीनाम द्वैतस्य निरूपयितुम अशक्यते, द्वैत प्रपंच भिन्नता को सिद्ध नहीं कर पाने के कारण, इति अतः वास्तव आकारेण सर्वथा निरूपित असमेव द्वैतम, पारमार्थिक दृष्टि से द्वैत को तुम निरूपण नहीं कर सकते। निरूपित मतलब विचार असहिष्णु, विचार सहन नहीं होता, विचार दृष्टि से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये अनिर्वचनीय हो जाता है, विचार असहिष्णु। इस प्रकार से तत्ववेत्ता पुरुष को जानते हैं, यहाँ तक आनंद गुरु स्वयं जो है श्लोक का अर्थ पूरा कर देते हैं। यदुक्तम अद्वैता शिवा इति तत्र हेत्वांतर उपन्यास परत्तम श्लोकस्य दर्शयति, पहले क्या बोला था आपने कि ना निरोध न च उत्पत्ति, तो उस प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के हेतु क्या दिए थे आपने कि भावे असत फिर एव अयम अद्वयन च कल्पिता भावा अपि अद्वयन एव तस्मात् अद्वयता शिवा, ये जो आपने प्रतिज्ञा किया तस्मात् अद्वयता शिवा, इसके पीछे इस प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए क्यों भेद रहित कल्याणकारी है, क्योंकि कोई वस्तु को भेद को आप पारमार्थिक दृष्टि से सिद्ध ही नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जब उत्तम ये जो कहा गया था अद्वैता शिवा भेद रहित ही कल्याणकारी थी, तथा हेत्वांतर तत्र हेत्वांतर उपन्यास परतम, उस प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए दुष्ट हेतु को दे रहे हैं कि किस पर उपन्यास परतम बोधगतम श्लोक से इस श्लोक का, इस श्लोक न आत्मभावे नाभि कथन चल, क्यों अद्वैता शिवा, क्योंकि आत्मा के साथ मिलकर के भी भिन्नता नहीं है और स्वतंत्र उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, इसलिए ही जो है मतलब भेद रहित ही कर जाते हैं। परत्तम श्लोक दर्शयति, अब यह भाष्य शुरू होता है परंतु आठ पांच थोड़ा सा यदि आपको मतलब न्याय की अनन्य अभाव को यदि आप देखेंगे ना अनुयोगी प्रति भी कैसे सिद्ध होगा, तभी समझ अनन्य मतलब घट पट नहीं है, घट पट घट नहीं है, उनके सिद्धांत क्या है, हमारे यहाँ से क्या है कि ये पृथकत्व के धर्म को आपको समझ में कैसे आएगा, इसको लेकर के अनुयोग प्रतियोगी का ज्ञान भिन्न, ये भिन्न है या नहीं कह सकते। अनुयोगी मतलब जिसमें आप जिसका भेद सिद्ध करना चाहते हो गया अनुयोगी, और जिसका भेद सिद्ध करना चाहते हो गया प्रतियोगी, इस प्रकार अनुयोगी और प्रतियोगी के ज्ञान के भिन्न
आप चाहे किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते। अनाश्रय मतलब किसी के आश्रय में नहीं रहना। अनंत आश्रय दोष मतलब एक दूसरे को आश्रय किए बिना सिद्ध नहीं होना। जैसे आग में जो उसका धर्म है ना, वो स्वरूप और धर्म को अलग है। अनन्याश्रय मतलब क्या होता है, एक को आश्रय किए बिना दूसरा सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार हमने बोला कि गुण कहाँ रहता है, द्रव्य में रहता है, और द्रव्य क्या होता है, जो गुण का आश्रय है। द्रव्य का परिभाषा क्या है, जो गुण को आश्रय देते हैं। गुण का परिभाषा क्या होता है, जो द्रव्य के आश्रय में रहते हैं। तो गुण को परिभाषित करने के लिए आपको द्रव्य लाना पड़ रहा है, और द्रव्य को समझाने के लिए आपको गुण शब्द लाना पड़ रहे हैं। तो क्या हो गया, ये स्वतंत्र सिद्ध नहीं होता। द्रव्य सिद्ध करने के लिए गुण को लाना पड़ रहा है, और गुण को सिद्ध करने के लिए आपको द्रव्य को लाना पड़ रहा है। इसीलिए गुण अनन्याश्रय दोष के द्वारा ये प्रसिद्ध। अनन्याश्रय दोष से ग्रसित नहीं है, नहीं, अनन्याश्रय दोष के द्वारा ग्रसित नहीं है एकमात्र आत्मा, जो स्वतः स्वयं सिद्ध है। बाकी सब जो अनुयोगी प्रतियोगी के माध्यम से उसमें घट पट से भिन्न है। ये जो आप कहेंगे घट पट से भिन्न है, तो पट घट से भिन्न है, तो आप जिससे इससे ये भिन्न है, तो जिससे भिन्न है उसका ज्ञान पहले चाहिए, तभी तो ये भिन्न है बोल पाएंगे आप। ये आप इसका ज्ञान भी चाहिए तब, अगर मतलब इसका ज्ञान हो तो आपके पृथकत्व की बोध हो, और ये इससे पृथक है ये बोध है, तब जा करके इसका ज्ञान भी, ये भिन्न वस्तु है, ये इसके घटत तो भिन्न है पटत तो भिन्न, ये बोध होगा। इस प्रकार जो है एक अनुयोगी प्रतियोगी के सापेक्ष में रह करके आपको जो है पृथकत्व का बोध होता है। अनुयोगी प्रतियोगी का ज्ञान नहीं हो तो पृथकत्व का बोध नहीं होगा। तो पृथकत्व के बोध के लिए अनुयोगी प्रतियोगी सापेक्ष होने के कारण ही अनन्याश्रय दोष के पृथकत्व। अनुयोगी प्रतियोगी अनुयोगी प्रतियोगी अनुयोगी है जो प्रतियोगी है, मतलब इसमें इसका भेद है। ये कैसे सिद्ध होगा, जब आप उस वस्तु का मतलब पृथक मान लिया आपने तब भेद सिद्ध हो जाता है। इसके लेकर के आप क्योंकि विशेष जो पदार्थ माना हुआ है, तो विशेष तुम एक द्रव्य पदार्थ माना, उस प्रत्येक द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, तो विशेष से द्रव्य के भिन्नता सिद्ध होता है, अथवा द्रव्य भिन्न होने के कारण विशेष सिद्ध हो जाए, वो नहीं बता पाता। ये अनन्याश्रय आज फिर पहला वाला होगा। अजम् अपि योनियोगं प्रापदैश्वर्य योगा अगतिं जगति मत्तां प्राप्तैकं हि अनेकं विविध विषय धर्म ग्राही मुक्ते क्षणानां प्रणत भय विहन्त्री ब्रह्म यत्तन्न तपोस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवाशिष्यते।